हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे हम जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का टॉपिक आपका शुरू कर चुके हैं। और अभी तक हमने जो है काफ़ी सारी वीडियो डिस्कस कर ली है। सबसे पहले हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये तीन शब्दों के जो है बेसिक मीनिंग जाने थे, इनके थोड़े बहुत फीचर्स के बारे में भी हमने जो है डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो है एक पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस किया, जो कि आपका था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस, एंड देन आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, OPC, और ये सारी चीजें जो है अभी तक हमने कवर अप कर ली है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर फैक्टर्स टू कंसीडर बिफोर सिलेक्टिंग अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, लेकिन अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको कंसीडर करने पड़ेंगे किस समय पे, जब आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने वाले हो, और आपको जो है किस तरीके का आपको बिजनेस शुरू करना है ये आपको डिसाइड करना है। लुक, हमने इतनी सारी चीजें देखी कि पार्टनरशिप क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है, एक तरीके से कौन कौन से फीचर्स उनके हैं, ये हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब जब रियल लाइफ में आप बिजनेस शुरू करने जाओगे तो आपको जो है देखना पड़ेगा कि मुझे कौन सा सूट करेगा, मुझे कौन से फॉर्म में जो है अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए, क्या मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप करना चाहिए या मुझे पार्टनरशिप या LLP। तो ये सब चीजें आप पहले जो है क्वेश्चनिंग करोगे। अब ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि आपके इस डिसीजन में आपको हेल्प करेंगे, तो वो पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। सो ईच फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस हैज इट्स ऑन फीचर। हमने देखा हर तरीके के जो आपके फॉर्म्स थे, उन सबके अपने अलग अलग ऑन फीचर्स थे, उनके खुद के मेरिट्स थे, डीमेरिट्स थे, जो कि कुछ लोगों के लिए सूटेबल है, कुछ डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, कुछ के लिए नहीं है। और जब हम ये सब जो है सिलेक्ट कर रहे होते हैं, वाइल सिलेक्टिंग द सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे पॉइंट्स आपको कंसीडर करने पड़ते हैं। सबसे पहला कंसीडर आपको करना पड़ेगा नेचर ऑफ बिजनेस। क्यों? क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भाई अगर आपको जो है आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग का है, तभी आप जो है LLP ओपन कर सकते हो। अगर आप जो है चैरिटेबल करना चाहते हो या फिर नॉन प्रॉफिट का कुछ करना चाहते हो, सो यू कैन नॉट गो फॉर योर LLP। LLP का ऑप्शन ही आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये जो है पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका नेचर क्या है बिजनेस का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सिलेक्टिंग द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द टाइप ऑफ बिजनेस। यानी जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको कंसिडर करना पड़ेगा, वो ये है कि आपके बिजनेस किस टाइप का है, उसका जो नेचर है वो क्या है। अगर जो बिजनेस है वो आपका पर्सनल अटेंशन उसको चाहिए, यानी कि अगर आपका कुछ ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको पर्सनली अटेंशन देनी पड़ेगी, डायरेक्ट कांटेक्ट आपको रखना पड़ेगा, तो फिर उस सिचुएशन में आपको जो है सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ऐसा बिजनेस का नेचर है जहाँ पे आपको पर्सनली वहाँ पे अपना एक वैल्यू देनी है, आपको पर्सनली उससे कनेक्टेड रहना है, देन यू शुड गो फॉर योर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। ये चीजें आपको प्रेफर करना चाहिए। अगर जो है इसमें इन्वॉल्व है लार्ज स्केल प्रोडक्शन और सर्विस, यानी कि यहाँ पे जो है बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होना है, सर्विस होनी है, तो कंपनी के ऑप्शन में आपको जाना चाहिए। और अगर यहाँ पे आपको म्यूचुअल हेल्प चाहिए, यानी आपको बताया अकेले नहीं होगा, म्यूचुअल हेल्प चाहिए होगी, अकेले नहीं होगा मतलब ये नहीं है कि आप एम्प्लॉय रख रहे हो या कुछ नहीं, म्यूचुअल हेल्प आपको चाहिए कि भैया अकेले आपसे जो है मॉनिटरी टर्म्स में भी चीजें नहीं होंगी या वैसे भी नहीं होगी, तो आपको कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। सो दैट इज मोर सूटेबल फॉर यू। तो देखिए, अगर आपके बिजनेस को अटेंशन चाहिए, पर्सनल अटेंशन चाहिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट चाहिए, देन यू शुड गो फॉर योर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। एंड इफ इट इज इट इन्वॉल्व लार्ज स्केल का प्रोडक्शन और सर्विस, देन कंपनी इज सूटेबल फॉर यू। एंड इफ इट यू नीड म्यूचुअल हेल्प, देन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सूटेबल फॉर यू। नेक्स्ट इज योर कैपिटल कंसिडरेशन। कैपिटल कंसिडरेशन यानी कितना पैसा लगेगा, क्योंकि बिजनेस शुरू करना है तो पैसा चाहिए भाई, पैसा। अमाउंट ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट डिसीजन फैक्टर। यानी कितना पैसा आपको रिक्वायर्ड होगा आपके बिजनेस के लिए, आपका कोई भी बिजनेस है उसमें आपको कितना पैसा चाहिए। ठीक है, आपने सोचा मैं जो हूँ फोन बनाऊंगा, फोन का मैन्युफैक्चर करूंगा, अलग अलग जगह से पार्ट्स लाऊंगा, असेंबल करूंगा, बेच दूंगा, तो वहां पे जो है कितना आपको पैसा चाहिए होगा, आपका बिजनेस जो है उसके अकॉर्डिंग कितना मनी आपको चाहिए, तो ये दूसरा फैक्टर है। अगर आपको थोड़ा अमाउंट चाहिए तो आप जो है अकेले अपने पॉकेट से निकाल के लगा सकते हो, या थोड़ा अपने दोस्तों के साथ मिलके पार्टनरशिप कर सकते हो। सो अगर यहाँ पे जो है कम अमाउंट चाहिए, कैपिटल कम चाहिए, देन गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, ये आपके लिए सूटेबल है। बट अगर आपको बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, तो कंपनी जो है आपको शुरू करनी पड़ेगी, ताकि आप बाहर से भी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी उठा सकें। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ कंट्रोल। डिग्री ऑफ कंट्रोल यानी अगर आपको
ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगी चीजों को, तो आपको कौन सा चाहिए होगा, कौन सा फॉर्म आपके लिए बेटर है। देखिए, अगर जो है बिजनेसमैन डिजायर करता है, उसकी इच्छा है कि वो जो है कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट कंट्रोल रखे बिजनेस पे, यानी वो चाहता है कि सिर्फ मेरा ही मेरा चले, मैं ही जो हूँ इसको कंट्रोल करूँ, तो ऐसी सिचुएशन में जो है आपको सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ओपन करनी चाहिए, जहां पे सिर्फ आपकी मानी जाएगी, क्योंकि कंट्रोल, ओनरशिप और मैनेजमेंट आपके हाथ में होगा। बट बिजनेसमैन के माइंड में अगर ऐसा नहीं है और वो चाहता है कि जो भी कंट्रोल होगा हम शेयर कर लेंगे, फ्यूचर में मुझे किसी के साथ शेयर करना पड़े मैं कर लूंगा, तो उसको पार्टनरशिप या फिर कंपनी की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट इज लायबिलिटी। अगर आपको जो है ऐसा लग रहा है लायबिलिटी में ज्यादा नहीं लेना चाहता, तो आप ऐसी फॉर्म्स में जाइए जो कि पार्टनरशिप हो या कुछ और हो, जहां पे आपकी लायबिलिटी बट जाए, आपको अकेले पूरी लायबिलिटी ना उठानी पड़े। तो डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस ऑल्सो प्ले विचुअल रोल इन सिलेक्टिंग द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कितना रिस्क उसमें इन्वॉल्व है आपके बिजनेस में, डिग्री ऑफ रिस्क कितना इन्वॉल्व है आपके बिजनेस में, ये चीज भी एक बड़ा रोल प्ले करती है कि आपका कौन सा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको सूट करना है। अगर आपका जो है हाई रिस्क वाला बिजनेस है, देन आपको जो है कंपनी ओपन करनी चाहिए फॉर्म को, और या फिर जो है कोऑपरेटिव फॉर्म्स आपको सूटेबल होगा। बट वहीं पे अगर लायबिलिटी जो है मेंबर्स की वो लिमिटेड है, ऑन द अदर हैंड लो रिस्क है बिजनेस में, तो आपको जो है सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म जो है सूटेबल रहेगा, ताकि ज्यादा भी अगर लायबिलिटी निकले तो आप अपनी खुद की पॉकेट से या पार्टनर्स मिलकर के अपनी पॉकेट से जो है उसको मैनेज कर सके। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। अगर जो है बिजनेस रिक्वायर करता है आपका हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तो उस सिचुएशन में सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जो है वो प्रेफरेबल है, बिकॉज मेकिंग फंडामेंटल चेंजेस इन बिजनेस एंड टेकिंग पॉलिसी डिसीजन टेक लॉन्गर टाइम इन कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। यानी कि आपके ऑपरेशंस चल रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपको जल्दी उसमें कुछ चेंज करना है। अगर बड़ी कंपनी है, जैसे टाटा जी की कोई कंपनी है या फिर कोई बड़ी कंपनी है, रिलायंस है, उनको अगर अपने ऑपरेशंस में कुछ चेंज करना होगा ना, तो उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो पूरी पॉलिसीज बनाएंगे अपनी कंपनी के लिए, अपने नीचे डेलीगेट करेंगे, जो है नीचे बताएंगे अपने अपने से नीचे वाले पर्संस को, और इस तरीके से करते करते पूरे एंटरप्राइजेस में जब तक वो चेंज आएगा, तब तक कुछ और नया चेंज आने का टाइम हो जाएगा। वहीं अगर छोटी सी कंपनी है, सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फॉर्म है, और वहां पे कुछ चेंज करना है, तो चार लोग, पांच लोग, कम लोग हैं, वो इजिली चेंज हो सकता है। कंटिन्यूटी। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा बिजनेस जो है बहुत लंबा चले, मैं रहूं ना रहूं, तुम रहना साथ मेरे वाले सिचुएशन की, भाई मैं रहूँ ना रहूँ, पर ये चीज़ रहनी चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या है, कंपनी खोलनी चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग रन तक चलेगी, आपका और उसका कोई मैच नहीं है, वो अपनी अपनी इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस रखेगी, चाहे आप निकल जाओ तो भी वो कंपनी रहेगी, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनीज जो है प्रेफरेबल है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, मैं थोड़े टाइम के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा भी ये किसी और के साथ काम करे, तो इसलिए मैं सोल प्रोप्राइटरशिप आप खोल सकते हो, पार्टनरशिप आप खोल सकते हो, ये चीजें आपके लिए जो है सूटेबल रहेंगी। अब देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल प्रस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। शेयर होल्डर्स का जो प्रस्पेक्टिव है, मेन इंटरेस्ट है, वो है प्रॉफिट ग्रोथ हो, शेयर प्राइस ग्रोथ हो, और ये पावर एंड इन्फ्लुएंस कैसे होती है, उनके डायरेक्टर्स को इलेक्ट करके। नेक्स्ट इज बैंक एंड अदर लेंडर्स जो है, उनका मेन इंटरेस्ट क्या है कि भाई उनका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का अमाउंट पेमेंट उनको वापस मिल जाए और क्रेडिट रेटिंग बनी रहे। कैन इन्फोर्स लोन कन्वर्टर्स, कैन विड्रॉ बैंकिंग फैसिलिटीज। डायरेक्टर एंड मैनेजर्स का क्या है कि उनको सैलरी मिलती रहे, शेयर ऑप्शंस मिलता रहे, जॉब सेटिस्फैक्शन रहे, और उनकी पावर एंड इन्फ्लुएंस क्या है कि वो डिसीजन लेते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन वो रखते हैं। एम्प्लॉयज का क्या इंटरेस्ट है कि भैया सैलरी, वेजेस, जॉब सिक्योरिटी, सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन मिलता रहे, और उनका पावर एंड इन्फ्लुएंस क्या है कि वो स्टाफ टर्नओवर को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल एक्शन को, सर्विस क्वालिटी को। सप्लायर्स का क्या है कि भैया लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, प्रमोट पेमेंट मिल जाए, ग्रोथ ऑफ परचेजिंग हो जाए। वहीं पे इनके जो इफेक्ट मिलती है वो है प्राइस, क्वांटिटी, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। कस्टमर का क्या इच्छा है कि भैया रिलायबल क्वालिटी मिले, वैल्यू ऑफ मनी मिले, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी हर जगह मिल जाए और कंज्यूमर सर्विस मिलती रहे। वहीं ये कहाँ इफेक्ट करते हैं, रेवेन्यू, रिपीट बिजनेस, वर्ड ऑफ माउथ, रिकमेंडेशन, इस तरीके से बेनिफिट देते हैं। कम्युनिटी क्या है, इन्वायरमेंट, लोकल जॉब, लोकल इम्पैक्ट, और वहीं पे इनडायरेक्ट बाय लोकल प्लानिंग एंड ओपिनियन लेंडर्स। गवर्नमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेट लीगली हो, टैक्स रिसिप्ट हो, जॉब जो है बने। वहीं पे ये इफेक्ट कैसे करते हैं, रेगुलेशन, सब्सिडीज, टैक्सेशन प्लानिंग करा के। नेक्स्ट पॉइंट इज योर बिजनेस फॉर्मेट्स, दैट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।